नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है इंदौर से गांधीधाम तक चलने वाली इंदौर गांधीधाम वीकली एक्सप्रेस के बारे में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है इंदौर गांधीधाम एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 19336। ये जो ट्रेन है इंदौर जंक्शन से गांधीधाम जंक्शन गुजरात के बीच में हफ्ते में एक दिन चलती है। अगर इसके रूट मैप के बारे में बात करें तो ये इंदौर से हर इतवार को रवाना होती है। उज्जैन, रतलाम, गोधरा जंक्शन, नादिया जंक्शन, अहमदाबाद के थ्रू ये गांधीधाम जंक्शन में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। इसका ट्रेन नंबर है 19336। ये जो ट्रेन है हर इतवार को इंदौर जंक्शन से रात के 10:25 पर रवाना होती है 5 प्लेटफॉर्म से, और अगले दिन 15:45 बाद ये ट्रेन जो है गांधीधाम जंक्शन में पहुंचती है। इसके तकरीबन 11 स्टेशंस हैं, 806 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है, और इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 51 किलोमीटर पर आवर। अगर हम बात करें इसके टिकट किराए के बारे में तो मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा वो इंदौर जंक्शन से गांधीधाम जंक्शन तक का कोचेस वाइज किराया बताऊंगा। वैसे इंदौर जंक्शन गांधीधाम जंक्शन में, इंदौर से गांधीधाम जंक्शन तक चलने वाली इंदौर गांधीधाम एक्सप्रेस में सेकेंड ए सी, थर्ड ए सी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। आगे हम बात करेंगे इसके टिकट किराए के बारे में। तो सेकेंड ए सी का जो इंदौर जंक्शन से गांधीधाम जंक्शन गुजरात का जो टोटल किराया है वो है 1625 रुपये, जिसमें 1497 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, GST चार्ज जो है 78 रुपये है, टोटल चार्जेस जो बनते हैं वो है 1625 रुपये। इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड एसी के कोच भी हैं। थर्ड एसी के इस ट्रेन में तकरीबन 4 कोचेस हैं, जिसका इंदौर से गांधीधाम जंक्शन तक का टोटल किराया है 1135 रुपये, जिसमें 1041 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, GST चार्ज 54 रुपये है, और टोटल किराया जो बनता है वो है 1135 रुपये। ये तो हो गई थर्ड एसी के बाद। दोस्तों ध्यान रहे, जो एसी कोचेस में है वो उसमें जीएसटी चार्ज जोड़ा जाता है, बाकी कोचेस में जनरल, अंडरसर्व और स्लीपर क्लास में कोई जीएसटी चार्ज नहीं जोड़ा जाता। तो स्लीपर क्लास के इसमें तकरीबन 12 कोचेस हैं, जिसका टोटल किराया जो बनता है वो है 420 रुपये, जिसमें 400 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है, टोटल किराया जो है 420 रुपये, इसमें कोई जीएसटी चार्ज नहीं जोड़ा जाता। और ये जो किराया मैं आपको बता रहा हूँ ये इंदौर जंक्शन से गांधीधाम जंक्शन गुजरात तक का है। इसके अलावा इस ट्रेन में 4 कोचेस जो हैं वो जनरल अंडर रिजर्व डिब्बे की भी हैं, जिसका टोटल किराया जो है इंदौर से गांधीधाम तक का वो है 235 रुपये। दोस्तों ध्यान रहे, ये जो मैंने अभी आपको किराया बताया ये अपडेटेड और सही किराया नहीं है। सही किराया जानने के लिए आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म कर ले, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे हम बात करेंगे इंदौर से गांधीधाम तक चलने वाली इंदौर गांधीधाम वीकली एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में, और जान लेंगे इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं इंदौर जंक्शन से गांधीधाम जंक्शन तक। इंदौर गांधीधाम वीकली एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर है 19336। ये जो ट्रेन है इंदौर जंक्शन मध्य प्रदेश से हर इतवार को सिर्फ चलती है, और रात के 10:25 पर रवाना होती है 5 प्लेटफॉर्म से, और इसके तकरीबन 11 स्टेशन हैं। 15:45 बाद ये ट्रेन जो है गांधीधाम जंक्शन गुजरात में पहुंचती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है मध्य प्रदेश के दूसरे स्टेशन पे पहुंचती है। इंदौर गांधीधाम एक्सप्रेस जो है देवास जंक्शन में रात के 11:04 पर पहुंचती है, और 11:06 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। देवास जंक्शन का जो स्टेशन कोड है वो है DWX, और यहाँ तक की जो दूरी है तकरीबन 38 किलोमीटर के करीब जो है ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है उज्जैन जंक्शन में पहुंचती है रात के 11:53 पर, और 11:58 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 1 प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है, और 80 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। उज्जैन जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है रतलाम जंक्शन में रात के 1:30 पर पहुंचती है, और 1:35 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 4 प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है, और 176 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। रतलाम जंक्शन जो है इस ट्रेन का 4th स्टेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन है। रतलाम जंक्शन का जो स्टेशन कोड है वो है RTM। यहाँ पर ये 4 प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है, और इंदौर से रतलाम की जो दूरी है वो 176 किलोमीटर के करीब जो है ये ट्रेन कवर कर चुकी है। इसके बाद ये ट्रेन जो है मध्य प्रदेश से गुजरात में एंटर करती है। इंदौर गांधीधाम एक्सप्रेस जो है गुजरात का जो पहला स्टेशन है वो है दाहोद। दाहोद गुजरात में ये ट्रेन जो है रात के 3:02 पर पहुंचती है, और 3:04 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, और 288 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। गोधरा जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है
गोधरा जंक्शन में पहुंचती है। गोधरा जंक्शन में 4:53 पे पहुंचती है और 4:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 362 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। नादिया जंक्शन गुजरात में ये ट्रेन जो है सुबह 7:14 पे पहुंचती है और 7:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। यहां पर ओखा गोरखपुर एक्सप्रेस अहमदाबाद मुंबई तेजस एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है हर सोमवार को। इसके बाद ये ट्रेन जो है अहमदाबाद जंक्शन गुजरात में पहुंचती है सुबह 8:25 पे और 8:55 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 30 मिनट का स्टॉप है। यहाँ पर इसका इंजन भी चेंज होता है और यहाँ पर ये गांधीनगर आनंद मेमू ट्रेन के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। और इसके बाद ये ट्रेन जो है विरंगम जंक्शन में पहुंचती है सुबह 10 बजे के करीब और 10:01 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 570 किलोमीटर के करीब जो है ये इंदौर जंक्शन से विरंगम जंक्शन तक की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। विरंगम जंक्शन का जो स्टेशन कोड है वो है VG। विरंगम जंक्शन जो है इस ट्रेन का 9वां स्टेशन है। इसके बाद ये ट्रेन जो है अपने सेकंड लास्ट स्टेशन समाख्याली जंक्शन में पहुंचती है दोपहर के 12:41 पे और 12:43 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। समाख्याली जंक्शन का जो स्टेशन कोड है वो है SIOB और 752 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद इंदौर गांधीधाम वीकली एक्सप्रेस जो है वो अपने आखिरी स्टेशन गांधीधाम जंक्शन गुजरात में दोपहर के 2:10 पे पहुंचती है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहां तक की जो टोटल दूरी है ये 805 किलोमीटर के करीब जो है ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ ये ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या अगर आप चाहते हैं कि ऐसी अन्य और वीडियोस बनाओ तो कमेंट करके जरूर बताएं। आप कोई भी सजेशन जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करें और साथ में अगर आप नहीं यहाँ तक वीडियो देख लिया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुँचती रहे और मेरी बाकी अन्य वीडियोस को भी जरूर देखते रहें। साथ में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।